बुधवार को हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहली बार वित्त मंत्री के रूप में उन द्वारा विधानसभा में रखे गए वर्ष 2020 से 21 के बजट अनुमानों को पारित करने के लिए सभी विधायकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि अगले वर्ष वे इस वर्ष की भांति बजट तैयार करने के लिए जनप्रतिनिधियों व अन्य हितधारकों के सुझाव लेंगे। इस वर्ष के बजट अनुमान में 52 विधायकों के सुझाव शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान बजट अभिभाषण पर चर्चा के बाद अपने उत्तर में शिक्षा, स्वास्थ्य व स्वावलंबन के क्षेत्र के लिए 3 नई घोषणा सदन में की। मुख्यमंत्री ने बजट अभिभाषण पर चर्चा के बाद अपने उत्तर में शिक्षा, स्वास्थ्य व स्वावलंबन के क्षेत्र के लिए 3 नई घोषणा सदन में की, जिनमें हरियाणा के युवाओं को उच्चतर शिक्षा के लिए ऋण लेने के लिए युवाओं को बैंक में कॉलेटरल गारंटी नहीं देनी होगी। इसके लिए राज्य सरकार बैंकों को क्रेडिट गारंटी देगी और यह हरियाणा में स्थित शैक्षणिक संस्थानों के लिए बैंकों द्वारा प्रदान किए गए नियम अनुसार निर्धारित ऋणों के लिए लागू होगी। बहुत से विभागों की इसमें चर्चा नहीं की गई। मेरा ये कहना कि ये जो बजट का भाषण होता है, ये बजट का भाषण एक कुल मिलाकर अगले वर्ष की बजट की एक जिसको कहना चाहिए एक सार होता है, एक दिशा होती है। हर बजट का कभी भी हर विभाग की कभी भी चर्चा होती नहीं है। और उसके लिए अगर मैं उदाहरण दूंगा तो ये बजट है 2014-15 का, क्योंकि आप लोगों की सरकार का सबसे लास्ट बजट है, जट्ठा जी ने पढ़ा था। इसमें 33 विभागों की चर्चा है, मेरे भाषण में 38 विभागों की चर्चा है, 5 विभागों की चर्चा ज़्यादा है। हर विभाग की चर्चा संभव होती ही नहीं है, क्योंकि उन्हीं में जिसके अंदर इंडिकेटर्स ऐसे हमको लगता है कि कहीं ज़्यादा है, कहीं हो सकता है कम भी करना पड़े। क्यों? क्योंकि आखिर परसेंटेज जो बजट की होती है, अगर हम किसी एक विभाग में टोटल बजट का शेयर 0.5% भी बढ़ाते हैं तो कहीं 0.5% कम तो होगा ही। परसेंटेज तो 100 है, 100 का 100 रहने वाला है। कहीं अगर हमने 4 से 5 की है तो 1% किसी न किसी विभाग से 1 से 2 से 4 से कम होना है। परसेंटेज इज परसेंटेज, तो इसलिए इसको इस तरीके से आंकना। हाँ, उस परसेंटेज से प्राथमिकताएं जरूर तय होती हैं कि हमने किस में बढ़ाया है और किस में कम किया है। कम करने के भी कई बार अनुमान ऐसे होते हैं कि उसको हम या तो उसमें कोई घाटा चल रहा है उस घाटे को हम कम कर लेंगे, या उसका रेवेन्यू पार्ट जो है वो बराबर कहीं इस प्रकार का है कि उसको वहीं पूरा कर लेंगे, या ये भी हो सकता है कि बाद में अगर कहीं आवश्यकता पड़ती है तो बहुत से विभागों का आरी में व्यवस्था करनी पड़ती है, आरी के अंदर उसको भी पूरा करेंगे, लेकिन जो प्रायोरिटी हमने तय की है उसको पीछे नहीं छोड़ेंगे, उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही कहना चाहिए कि संतोष का ही विषय है कि इस बार बजट सत्र में एक पर्याप्त चर्चा ये सब हुई, न केवल बजट सत्र में बल्कि बजट पूर्व भी जो एक सिलसिला चला, उससे पूर्व डिस्कशन का, चाहे वो स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ 7-8 मीटिंग मेरी हुई है, डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग्स करना स्वाभाविक था ही वो तो, लेकिन साथ में चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वो इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्थाओं से हुई, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ के लोगों को बुला करके की, बाद में सांसदों से, और 3 दिन तक लगातार विधायकों से भी चर्चा हुई। बहुत से सुझाव आए, जैसे मैंने बजट रखते समय भी कहा था, वही बात मैं दोहराऊँगा कि पहली बार 100 घंटे से ज़्यादा जो मीटिंग्स हैं वो सारी मेरी बजट पर हुई, और जिसको कहना चाहिए कि यहाँ भी यह बजट पूर्व की जो चर्चाएं थी उस समय भी बहस कम बल्कि चर्चा ज़्यादा हुई है, ये एक अच्छा संतोष का विषय है। और मैं समझता हूँ कि सभी 90 के 90 विधायकों ने एक सदन में एक साथ मिल करके ये सब काम किया है, यहाँ पक्ष या विपक्ष ना होकर के और समकक्ष होकर के हम सब लोगों ने विचार किया। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमने तय किया है कि हायर एजुकेशन लेने के लिए हमारे यहाँ विद्यार्थियों को कई बार आर्थिक कठिनाई आती है, बैंक के लोग उनको लोन भी करने में बहुत सी परेशानियाँ करते हैं, कोलेटरल मांगते हैं। हमने तय किया है कि हरियाणा का कोई भी युवक हायर एजुकेशन के लिए शिक्षा का लोन अगर लेगा तो उस बैंकों से बात हो गई है, कोलेटरल के रूप में गवर्नमेंट गारंटी हम देंगे उसको, किसी को कोई लोन की कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है। जितना पढ़ाई करेगा उतना ही उससे एक एफिडेविट लिया जाएगा कि जब उसका अर्निंग हैंड जब हो जाएगा उस समय वो किस्तों में वो बैंक को वापस करेगा, और बैंक को वापस नहीं करेगा तो फिर उसकी जो सैलरी है उसका एक पोर्शन
वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट उसका होगा। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।